नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट, चोर व चोरी का सामान खरीददार गिरफ्तार, ग्रामीण पुलिस को मिली सफल। आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी नहीं थम रही घरों में चोरी की वारदात। जहां कोरोना वायरस के खतरे के चलते लोग घरों में हैं और सड़कों पर सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के निकलने की अनुमति है, बावजूद बालाघाट में लॉकडाउन के दौरान भी घरों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, थाना प्रभारी ग्रामीण उप पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप ने बताया कि टीम गठित कर पूर्व में हुई चोरी का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की गई है। ललित कश्यप ने बताया कि 8 अप्रैल को ग्राम गायखुरी वार्ड नंबर 33 के सूने मकान से DVR व जेवर चोरी होने की रिपोर्ट थाना ग्रामीण में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामला विवेचना में वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसके बाद 15 अप्रैल को मिली सूचना के आधार पर आरोपी राहुल उर्फ राजेंद्र को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा घटना को घटित किए जाने की स्वीकारोक्ति करते हुए चोरी किए DVR व चांदी के एक छोटे नंदी की चेन भागते वक्त गुम होना बताया और 30,000 रुपए को जुए में हार जाने की जानकारी देते हुए सोने की अंगूठी को उक्त रोहित जैन को 5,000 रुपए में बिक्री किए जाने की जानकारी दी, जिस पर रोहित जैन से की गई पूछताछ पर चोरी की अंगूठी को उसके कब्जे से जब्त किया गया, जिसके विरुद्ध धारा 411 भादवी के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई। राहुल पालीवार के कब्जे से 5,000 रुपए भी जब्त किए गए। इन्हें वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो हाल ही में सर अभी चोरी की वारदात हुई है, जेवर चोरी हुई है, उसमें सर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अभी लॉकडाउन के चलते शहरों में थोड़ी चोरी की घटनाएं पिछले हफ्ते कुछ ज़्यादा बढ़ी थी। उसी तारतम में हमारे यहाँ थाने में भी एक चोरी हुई थी गायखुरी के एरिया में, तो हमने सारे चोर जितने भी आसपास के साथ चोर थे सब पर निगरानी रखी, तो किसी सूचना के तहत मुखबिरी के तहत हमें एक चोरी प्राप्त हुआ, जिससे हमने कड़ाई से पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म कबूल किया और उसके कब्जे से कुछ रुपए बरामद हुए चोरी के, और जो भी उसने ज्वेलरी बेची थी तो उस ज्वेलरी को जिससे जिसको उसने बेचा था तो हमने उसको भी पकड़ा और उसके कब्जे से भी हमें चोरी का सामान ज्वेलरी बरामद की गई है। जिनके खिलाफ चोर के खिलाफ हमने पुलिस रिमांड लिया और कड़ाई से पूछताछ करके ये सारी चीज़ें हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और कल हमने इनको न्यायालय में पेश कर दिया। सर, इसमें कितने चोरी है, चोर कितने पकड़े हैं, चोर आरोपी कितने? टोटल कुल मिलाकर 2 आरोपी बनाए हैं। एक आरोपी एक चोर है और एक जो है जो कि चोरी के सामान खरीददार रहता है, वो 12 सिमनी का है और कपड़ा व्यवसायी है। सर, आरोपी कहाँ करेंगे? आरोपी गड्ढा मोहल्ला बालाघाट के ही है, ये साथी चोर है। इसने पूर्व में भी कई सारी चोरी वारदातों का अंजाम दिया है और काफ़ी साथी चोर है, इससे पुलिस को पकड़ना पड़ा। सर, जिसमें से अभी जेवरात पकड़ा गया, लगभग कितने मूल्य का है जेवरात जो चोरी किए गए? ये तो अभी जब्ती हुई है, तो जब्ती में भी एक अंगूठी हमें प्राप्त हुई है, तो वो अंगूठी को हमने अभी शिनाख्तगी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये जेवरात हो सके। तो सर, अभी और खुलासा होने का संभावना? हाँ, इसको ये काफ़ी सारे चोर है, कई सारी इसने बताया कि कई सारी चोरियों पर ये इन्वॉल्व रहा है, आगे भी बेचना हमारी जारी है। अगर इसको भी और जो दूसरे थाने क्षेत्र में चोरी हुई है, पुलिस वहाँ की पूछताछ करेगी तो और काफ़ी सारी चोरी को उनके अनुमान है। खबर समय जगत के लिए मध्य प्रदेश बालाघाट से संवाददाता संजय अजीत की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।